हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो मैं आपके साथ समर स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने भी रिसेंटली में पर्पल से मंगवाए हैं। पर्पल पे अभी लॉकडाउन तो है ही, बट पर्पल पे अभी आपको एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनका ऑर्डर आप कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र, बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर के सभी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। पर्पल पे अभी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, वो आप चेकआउट करिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपना समर स्किन केयर रूटीन। एंड ये जो है ये डे स्किन केयर रूटीन होने वाला है। एंड वीकली भी मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ एंड डेली में भी कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, वो मैं सब आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, बट जो जो मैं अपने स्किन केयर मैंने ऐड किया हुआ है, मैं कौन सा डेली लगाती हूँ, कौन सा वीकली लगाती हूँ, कौन सा 4-5 डेज में लगाती हूँ, सब आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और सभी काफ़ी अफोर्डेबल हैं, लाइक एक भी प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड या नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्किन केयर रूटीन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्लिनजिंग का करती हूँ मैं, फेस वॉश। तो फेस वॉश के लिए मैं ये वाओ का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो है आप फ्रंट में देख सकते हैं सिलिकन ब्रश दिया होता है, तो इससे आपको पंप करना होता है और जो प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे से आपके स्किन को डीपली क्लेंस कर देता है। जो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं थोड़े बहुत, जो डर्ट पोल्यूशन होता है, ऑयल होता है, उसको काफ़ी डीपली क्लेंस करता है आपके फेस से। सो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पिम्पल लाइक पिम्पल को भी कम करता है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो पिंपल प्रोन स्किन वालों के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। नेक्स्ट, स्किन क्लींस करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। सो ये जो पील ऑफ मास्क है, ये आपके स्किन से जो डेड सेल्स होते हैं, जो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होता है, और जो ऐसी स्किन होती है लाइक स्मॉल स्मॉल जो हेयर होते हैं, बेबी हेयर्स होते हैं, उसको भी काफ़ी हद तक रिमूव करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा पेनफुल तो होता ही है, क्योंकि जब मैंने इसे रिमूव किया था तो मुझे काफ़ी पेन हुआ था, आंसू भी आ गए थे, बट आपकी स्किन से डीपली लाइक जो भी वाइट हेड, ब्लैक हेड होता है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। तो इसे ड्राई होने में 20 मिनट्स लग गए थे, जबकि मैंने काफ़ी पतली सी थिन लेयर लगाई थी, तो आपको काफ़ी थिन लेयर ही लगानी है। एंड देन आपको नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल करना है। थोड़ा सा आपको पेनफुल होगा अगर आपके फेस पर छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं, तो थोड़ा सा पेनफुल रहता है, बाकी अच्छा रहता है। आपकी जो स्किन जब आप टच करेंगे इसको रिमूव करने के बाद, तो आपको आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ लगती है। लाइक आप जब मेकअप अप्लाई करते हो ना, ये क्लीन अप करने के बाद, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं दो मास्क लगाती हूँ, कभी ये पील ऑफ मास्क या फिर शीट मास्क। तो काफ़ी सारे टाइप्स के मास्क आते हैं, आप कोई भी मास्क ट्राई कर सकते हैं। एंड ये आपको वीकली एक बार करना है। देन मैंने अपने पोर्स को क्लोज करने के लिए ये टोनर यूज़ किया है, ये था एब्स गुडनेस का कुकुम्बर टोनर। एंड अभी आपका, अगर आपका कोई भी एसेंशियल प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है, तो आप अभी पर्पल से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये बायोटिक का कोकोनट क्रीम, और ये जितने प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं मैंने अभी रिसेंटली मंगवाए थे पर्पल से, तो अभी आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं अपने स्किन केयर, बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स, जो भी एसेंशियल होते हैं, हैंड सैनिटाइज़र और ये सब। सो ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। समर्स आ गई हैं, आप घर पर रहते हैं तो भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये था गुड वाइब्स का 50 SPF के साथ सनस्क्रीन। एंड लास्ट स्टेप इज लिप बाम। सो लिप बाम के साथ ही ये स्किन केयर खत्म होता है मेरा। और जो मास्क होता है वो आप वीक में एक बार लगाया करिए, स्क्रब वीक में एक बार लगाया करो। और जो मॉइस्चराइजिंग होता है, सनस्क्रीन, लिप बाम, फेस वॉश, ये आपको ट्वाइस तो करना ही करना है डे में। सो आई होप आपको मेरा ये स्किन केयर रूटीन अच्छा लगा होगा। एंड या अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड प्रोडक्ट लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो या थैंक यू, बाय।